अब यार आप सब लोग जो भी मुझसे कनेक्टेड हो कहीं से भी हुए होंगे, मे बी मेरी वर्कशॉप के थ्रू या फिर मेरे चैनल के थ्रू, बट मैंने देखा यार बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट क्या फोन से कर सकते हैं, फोन से भी कोई ट्रेडिंग ऐप यूज कर सकते हैं, या सर कोई लैपटॉप बता दो जो अच्छा लैपटॉप हो, सस्ता लैपटॉप बता दो जिसमें हम ये चार्ट वार्ट सब रीड कर सके। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे स्टॉक मार्केट करनी है, देख ही ली होंगी बहुत सारी वीडियोस, आप मेरे भी देखते होंगे कि यहाँ पीछे इतनी सारी स्क्रीन लगी हुई, सेटअप लगा हुआ है, आप सोचते हो सर आपके पास तो बड़ा बड़ा सेटअप है तभी तो आप बढ़िया पैसे कमा लेते हो, हम थोड़ा ना कमा सकते हैं, ऐसे ही लगता होगा आपको। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, आपको सीखना है इस जर्नी पे, हमें तो बड़ा फंड मैनेज करना है, जो भी करना है आपको तो सिर्फ सीखना है। तो सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि फोन पे नहीं सीख सकते, फोन पे भी सीख सकते हैं, नहीं तो बेटर रहता है यार थोड़े बड़ा स्क्रीन हो सामने तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लैपटॉप पे करो ये सब चीजें, और इसके लिए ऐसा नहीं कि भाई हाँ 1-2 लाख का लैपटॉप लूंगा तो ही हो पाएगा, भाई बहुत ही एक नॉर्मल लैपटॉप पे भी ये सब काम हो सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, मैंने ये सारे क्वेश्चंस देख के मैंने देखा कि यार हाँ कि मेरी ऑडियंस ऐसे चीजें मांग रही है तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने एक इन्फिनिक्स का लैपटॉप मंगाया, उसके बारे में बता दूंगा कि मैंने क्यों चूज किया एट द एंड में बताऊंगा। लेकिन पहले आपके माइंड क्लियर करने की जरूरत है कि भाई मुझे ट्रेडिंग करने के लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप चाहिए कि मुझे हाँ भाई बहुत सारी स्क्रीनें लगानी पड़ेंगी, और क्या मैं फोन से ट्रेडिंग कर सकता हूँ नहीं कर सकता, लैपटॉप की जरूरत है या नहीं जरूरत है, ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी अपनी माइंड में। तो पहली चीज तो ये भाई सीखने का मन होना चाहिए, आप किसी से भी सीख सकते हो, आप मतलब चीजों पर डिपेंडेंट होकर सोचो कि भाई मेरे पास ये नहीं है, ये तो बहाने ढूंढना हो गया कि यार हाँ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और दूसरी चीजों के बाद आप ये बोलते रहते हो कि हाँ मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मैं इस वजह से नहीं कर पाया। बट एट द एंड मेन इंपॉर्टेंट तो माइंड सेट है ट्रेडिंग के लिए भी और किसी काम करने के लिए भी, तो सबसे पहले तो अपने उसको रेडी करो कि हाँ भाई मुझे सीखना है। और स्मार्टफोन तो मोस्ट प्रोबेबली यार आप सबके पास है, तो स्मार्टफोन से आप इजीली स्टॉक मार्केट कर सकते हो, बट हाँ उसमें थोड़ा बेटर हो जाएगा कि अगर आपके पास लैपटॉप हो, कोई नॉर्मल लैपटॉप भी हो तो चलेगा, उससे थोड़ा आपका एनालिसिस और अच्छा हो जाता है, आप प्राइसेस अच्छे से देख पाते हो, सब चीजें थोड़ी अच्छे से कर पाते हो क्योंकि स्क्रीन बड़ी है। तो उस लैपटॉप खरीदने के लिए भी कोई वो नहीं है, फोन के प्राइस का लैपटॉप है जो मैंने खरीदा और ये सब काम बढ़िया कर रहा है, मैं भी आजकल इसी को यूज कर रहा हूँ, कुछ 30,000 के आसपास का लैपटॉप है, ऑफर लगा के मुझे 27,000 के आसपास पड़ा और सारा काम कर देता है, तो अगर लेना है तो इसको देख सकते हो। बट सबसे पहले मैंने देखा यार जो स्टॉक मार्केट में जो सारी ऑडियंस है ना जो मेरी, उनको यार थोड़ी टेक्निकलिटी में प्रॉब्लम है, टेक्निकल नॉलेज कम होती है कि हाँ यार कि कौन सा सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए कोई लैपटॉप सर्च कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या कोई लैपटॉप लेने के लिए ही आपको क्या चीजें देखनी होती है। भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर यार आप i3 या Ryzen 3 कोई भी ले सकते हो, 10th जनरेशन बेयर मिनिमम होना चाहिए, 10th जनरेशन होना चाहिए, उससे पुराना नहीं लेना। और बहुत सारी जगह पे आप अगर सस्ता लैपटॉप देखने की कोशिश करोगे तो आपको लोग सेलेरॉन प्रोसेसर के बारे में बताएंगे और सेलेरॉन लेने के लिए बोलेंगे, बट बेटर रहेगा कि आप यार i3 10th जन कम से कम प्रोसेसर लो, या फिर Ryzen 3 3000 सीरीज वाला, तो इंटेल और AMD दोनों के ये प्रोसेसर है, दोनों ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने एक बेसिक स्पेसिफिकेशन बताई। तो सबसे पहली चीज होगी प्रोसेसर, और इतने प्रोसेसर वाला लैपटॉप आपको आराम से 25-30,000 के बीच में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रैम, अब रैम की प्रेफरेंस मेरे हिसाब से आपको 8GB करनी चाहिए, उससे कम नहीं, बिकॉज मल्टीटास्किंग ज्यादा जरूरी होती है जब भी आप ट्रेडिंग ये सब चीजें करते हो, तो मल्टीटास्किंग इंपॉर्टेंट होती है, तो 8GB रैम रिकमेंडेड है। दो टाइप की होती है, एक SSD होती है, एक HDD होती है, तो आप SSD वाली प्रेफर करो, HDD वाली नहीं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, सिंपल वर्ड्स में समझो, स्पीड का डिफरेंस है, SSD वाली भी उसकी रीड राइट स्पीड तेज होती है, HDD वाली की कम होती है। और क्या है, जब मल्टीटास्किंग करते हो आप, लैपटॉप हैंग वैंग ये ना हो और आपके सारे प्रोसेसेस बढ़िया तरीके से चलते रहे, SSD वाली स्टोरेज उसके लिए बेटर रहती है। तो मेन चीज तो यार प्रोसेसर और रैम, यही चीज सही होती है जो भी हमें प्रोसेस करना है यहाँ पे। फिर तीसरी चीज आपको ये देखना चाहिए कि यार हाँ HDMI पोर्ट जरूर होना चाहिए, ताकि आप उस लैपटॉप को कभी टीवी की स्क्रीन पे या बड़ी स्क्रीन पे यूज कर सको, तो एक HDMI पोर्ट होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। और फोर्थ देख लेना, थोड़ा सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से जो भी उसमें विंडोज हो वो प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड आती है, तो आप ये मत सोचना कि मैं बाहर से विंडो डलवा लूंगा और सस्ता पड़ जाएगा लैपटॉप, वो चीज मत करना, बेटर है कि प्री इंस्टॉल्ड विंडोज वाला ले लो, विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड वाला ले लो। बस यही चार चीजें देखनी है और ज्यादा कोई टेक्निकलिटीज नहीं देखनी, बस यहां पे आपका लैपटॉप सेलेक्ट करने का प्रोसेस खत्म हो गया। अब कंपनी कौन सी लेनी है, कौन सा लेना है, यार हर एक आप Amazon Flipkart से सर्च करते हो या कहीं शॉप पे जाके खरीदते हो, वहां जाके आपको शॉप वाला यही चीज बताएगा, आपको बस चीजें देखनी है, जो भी कंपनी आपको पसंद आती है उसका लैपटॉप ले लो, और बाकी आपकी पॉकेट जिसको अलाउ करती है आप वो ले लो। तो सिंपल कर दिया आपके लिए लैपटॉप सर्च करने का प्रोसेस, जो भी स्टॉक मार्केट के लिए लैपटॉप सर्च कर रहे हैं कि उनको लगता है पता नहीं कितना ही बड़ा सेटअप चाहिए होता है, स्क्रीनें लगानी पड़ती है। मैक्सिमम बताऊं तो यार जो लोग कर रहे हैं ज्यादातर आप फ्लैशी एड्स वगैरह देखते होगे तो दिखावेबाजी भी हो सकती है। बाकी ये कि कुछ लोग बड़े कैपिटल पे या बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा अकाउंट संभालते हैं, उनके लिए जरूरी है, आपको तो यार अपना एक अकाउंट संभालना है और वहां पे भी आपको रिसर्च ज्यादा करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता हो तो ऑर्डर डालना तो थोड़ा टाइम का प्रोसेस होता है, मेन तो रिसर्च होती है, रिसर्च करने के लिए आपको इतनी ही कॉन्फिगरेशन का लैपटॉप चाहिए। अब चलो यही दिखा देते हैं आपको लैपटॉप और ये मुझे क्यों बढ़िया लगा। इसका नाम इन्फिनिक्स N1 बुक स्लिम करके है कुछ, और मेरे को बढ़िया लगा देखने में, बहुत
बहुत बढ़िया है, मतलब बैकलिट कीबोर्ड है, बढ़िया डिस्प्ले है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब लुक्स वुक्स बढ़िया है। और यार बहुत हल्का है, मतलब 1.25 किलो के आसपास का होगा इसको, मतलब कहीं भी उठा के आप ऐसे ही लेके चले जाओ आराम से। तो ये लिया है मैंने। आप बेसिकली जब भी स्टॉक मार्केट करोगे तो आपको लैपटॉप में करना क्या है वो मैं सारी चीजें बताता हूँ। आपको क्या करना है, जनरली वेब ब्राउजर ही यूज करते हैं यार जो भी स्टॉक मार्केट वाले होते हैं, क्या करते हैं वेब ब्राउजर यूज करते हैं। इसमें आप वेब ब्राउजर ओपन भी करोगे, आप वेब ब्राउजर ओपन करोगे उसके बाद क्या खोलोगे भाई, ज्यादा ज्यादा आप ट्रेडिंग व्यू खोल लोगे, ट्रेडिंग व्यू जहाँ पे आपको चार्ट सेलेक्ट करना है, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया आपने। उसके बाद आप जो भी जहाँ पे भी ट्रेड करते होगे, जीरोधा काइट क्विट पे करते होगे तो काइट खोल लिया होगा आपने, मेरी वीडियो देख रहे होगे वो चलाओगे, कोई एनालिसिस मेरा देख रहे होगे वो चलाओगे, तो यूट्यूब खोल लिया। और आपने एक्स्ट्रा मान लो अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट कर रहे हो, और मतलब जॉब भी कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वहाँ पे लॉग इन करके भी बैठे हो, वो भी सारा यहाँ पे कर लिया आपने, सब चीज़ें कर ली। मतलब अगर अब मैं बोलूँ कि इसमें आपने 20-30-25-30 टैब भी खोल लिए कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप स्मूथ चल रहा है, उसके साथ साथ आपने मान लो गाने चला रखे हैं, गाने चलाओ, म्यूजिक चलाओ, मूवीज चलाओ, ये सारी चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली यार मैं रेकमेंड करता हूँ आप सब लोगों को कि जब भी आप यार लैपटॉप अगर यूज़ करो तो एक माउस साथ में यूज़ कर लो तो बेटर रहेगा, उससे ना चार्ट वार्ट स्टडी करने में पूरा मजा आता है। तो माउस वाउस ला के यूज़ करेंगे, पूरे USB है इसके अंदर, तो मैंने इसमें चार्ट वार्ट पूरा ओपन कर दिया और इसमें आराम से इंडिकेटर्स वगैरह लगा रहा हूँ, कोई भी टेम्पलेट लगा रहा हूँ, कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ भाई, कोई हैंग नहीं कर रहा, बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। तो जितना मर्जी जूम इन जूम आउट कर लो बढ़िया चल रहा है, मतलब लैपटॉप ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें चार्ट वार्ट वगैरह रीड करना हो, ऑर्डर वॉर्डर लगाना हो, ये सारी चीज़ें भाई इसमें ईजिली हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत ऐसी मुझे लग नहीं रही इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो, मतलब एज अ ट्रेडिंग अगर आप करोगे यार, ज़्यादा ज़्यादा क्या खोलोगे, नए नए टैब्स खोलोगे। देखो जो भी लोग ट्रेडर होते हैं वो यही करते हैं बेसिकली, आपका यार वेब ब्राउजर का काम ज़्यादा रहेगा, आप बहुत सारे मल्टीपल टैब्स खोल के यूज़ करने की कोशिश करते हो, या 2-3 ब्राउजर में भी काम करने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप है, बढ़िया मजा आ रहा है इसको चलाने में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई बैटरी बैकअप, और इस लैपटॉप को मैंने बढ़िया यूज करके देखा है भाई, आराम से 5-6 घंटे का तो बैटरी बैकअप दे ही रहा है ये। और मैंने इसको चूज किया सिर्फ इसी चीज की वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इसकी पोर्टेबिलिटी, बड़ा हल्का मतलब बहुत बढ़िया लैपटॉप है, आराम से हाथ में लेके कहीं भी चले जाओ, जैसे मर्जी उठा के ले जाओ, कितना स्लिम है, बिल्कुल ईजी टू कैरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इसकी डिस्प्ले जो है ना वो डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी डिस्प्ले है इसकी, मतलब इस रेंज के लैपटॉप में और सब मैंने चेक किए उसमें ये डिस्प्ले नहीं मिलती, ये 100% sRGB वाली डिस्प्ले होती है। जो टेक्निकलिटीज ज़्यादा अगर सीखनी है भाई तो मेरे भाई का चैनल है, वो जाके सब्सक्राइब कर लो, वो भी लैपटॉप के बढ़िया रिव्यू वगैरह बनाता है, तो वहाँ जाके आपको पूरी टेक्निकलिटी वाली नॉलेज मिल जाएगी। मुझे जितना ऊपर ऊपर से पता है मैं बता रहा हूँ, बट लेकिन मुझे देखने में इसकी डिस्प्ले बढ़िया लग रही है और बहुत बढ़िया डिस्प्ले है इसकी। और तीसरी सबसे मेन बात इसको लेने की, वेट तो हल्का है, डिस्प्ले बढ़िया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये चीज़ देखो, मतलब यार वो पुराने से लैपटॉप, वो पहले वाले लैपटॉप नहीं होते उसमें वो चप्पल जैसे चार्जर होते हैं, उनको कैरी करना बंदा परेशान हो जाता है, इसमें ये जो चार्जर वाली फील है ये बहुत बढ़िया, मतलब आराम से कहीं भी फोन की तरह इसको लेके चलो और फोन की तरह चार्जर है। प्लस इसका प्राइस देख के मुझे तो ये लैपटॉप बहुत बढ़िया लगा, आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी, कोई भी उस लेवल का लैपटॉप आप ले सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। अब ये नई कंपनी है इन्फिनिक्स, तो भाई मैं नहीं कह सकता कि भाई बढ़िया होगा नहीं, सर्विस आफ्टर सेल्स कैसी होती है मुझे नहीं पता, मुझे इसकी चीजें पसंद आई तो मैंने मंगा लिया, बाकी वो आपकी अपनी रिसर्च है, मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस चेंज करने का तरीका बताया कि आपको कैसे काम करना है और स्टॉक मार्केट के लिए क्या एक एंट्री लेवल लैपटॉप कैसा चाहिए होता है वो बता दिया। इसको लेना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे बाय कर सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन है कुछ भी इस चीज से रिलेटेड तो भाई मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहता ही हूँ, पूछ सकते हो। आपके ही कमेंट देख देख के और पढ़ पढ़ के इस पे वीडियो बनाने का आइडिया आया और आप आगे कमेंट करते रहोगे तो उस पे वीडियो बनाएंगे, भाई हम तो हैं ही किसके लिए, आप ही के लिए तो है, तो फटाफट कर दो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब, कितनी बार बोलूं यार, बेल आइकन पर ऑल कर दो ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोई देख रहा हो कि भाई हाँ मुझे लैपटॉप चाहिए ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।